दोस्तों, आप लोग का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ अपने जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 जो कि फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, इसके हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, दोस्तों एक टॉपिक था लेटर ऑफ क्रेडिट। तो मैं चाहूँगा कि मैं लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में यहाँ पर मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट समझा दूँ और उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो अंतिम तक बने रहें, इसलिए इस लेसन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं गारंटी लेता हूं कि इस टॉपिक से यदि कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे निश्चित रूप से कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को, लेटर ऑफ क्रेडिट को। तो देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है बेसिकली? लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट है जो कि बायर्स बैंक जो है, कौन इशू करता है दोस्तों? बायर्स बैंक इशू करती है, ठीक है। और वो क्या अंडरटेकिंग रहता है उसमें कि हम सेलर को इतना पैसा पे करेंगे, ठीक है। कब पे करेंगे? जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा, ठीक है, अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चलिए, अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्टीज होते हैं। एक एप्लीकेंट होते हैं। एप्लीकेंट कौन है? जो खरीदार है, जो खरीद रहा है चीज़ों को, या उसे हम लोग इम्पोर्टर भी कहते हैं। फिर बेनिफिशियरी कौन है? जिसको पैसा मिलेगा, ठीक है, जिसको पैसा मिलेगा वो बेनिफिशियरी है, या वो सेलर होता है दोस्तों, वो सामान अपना बेचता है। इशूइंग बैंक कौन है? तो इशूइंग बैंक ओपनिंग बैंक है, ठीक है दोस्तों। ओपनिंग बैंक यानी कि एलसी का ओपनिंग बैंक, यानी कि ये वो बैंक है जो कि एलसी को ओपन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इंपोर्टर के बिहाफ में, हु अल्टीमेटली पेज ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर इन इंपोर्टर्स कंट्री। तो दोस्तों, इंपोर्टर कौन है? इंपोर्टर वो है जिसे सामान की आवश्यकता है, ठीक है, और उसके उसके साइड में जो बैंक रहता है उसे हम लोग इशूइंग बैंक कहते हैं, और वो इंपोर्टर को पैसा देता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उसको खरीदना है, तो उसको सामान खरीदना है, तो वो जो है इशूइंग बैंक जो है इंपोर्टर को इंपोर्टर के बिहाफ में पे करता है, ठीक है दोस्तों। सेलर तभी ना पैसा, तभी ना सामान देगा जब उसे पैसा मिलेगा। तो अब बायर तो दे नहीं पा रहा है पैसा, ठीक है, तो बायर्स के बिहाफ में इशूइंग बैंक क्या करती है कि पैसा देती है दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए। चलिए, उसके अगला बैंक है हमारा एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक बोले या नोटिफाइंग बैंक बोले, ये देखिए एक्सपोर्टर कंट्री का बैंक है दोस्तों। ये क्या करती है? एलसी का एडवाइस देती है दोस्तों, एडवाइजिंग बैंक या नोटिफाइंग बैंक। इसके अलावा और इसका फंक्शन देखिए, इट एक्ट लाइक एन एजेंट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अनलेस इट कन्फर्म। तो जब तक ये बैंक कन्फर्म नहीं करेगी तब तक इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है पेमेंट का। हाँ, यदि ये कन्फर्म कर देगी तब इसका जिम्मेवारी हो जाता है पेमेंट का दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों हमारा नेगोशिएटिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक। ये क्या होता है? ये भी एक्सपोर्टर कंट्री का बैंक है, ठीक है, जो कि जो है एक्सपोर्टर को पेमेंट देती है। उसके बाद लास्ट है हमारा कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक भी एक्सपोर्टर कंट्रीज का बैंक है, जो कि एडवाइजिंग बैंक भी हो सकती है। इसका ये रिस्क जिम्मेवार होगी कोई भी डिफॉल्ट यदि होता है तो, मतलब इस स्टेज में, किसी भी स्टेज में हम तो देखे हैं कितने पार्टीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। एप्लीकेंट हैं, बायर्स हैं, फिर इशूइंग बैंक है। तो दोस्तों, ये जो चार पार्टी मैंने यहाँ बताया, इस यदि कोई भी स्टेज में यदि कोई पैसा नहीं देता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो जिम्मेवारी किस पे आती है? तो कंफर्मिंग बैंक की जिम्मेवारी होती है दोस्तों। और इसके बाद है रिम्बर्सिंग बैंक। तो जो नेगोशिएटिंग बैंक को रिम्बर्स करता है वो हमारा कहलाता है रिम्बर्सिंग बैंक। तो दोस्तों, एक चीज हम लोग यदि ओवरव्यू यदि लें तो देखिए, एक तरफ हमारा इंपोर्टर, एक तरफ हमारा एक्सपोर्टर। इंपोर्टर के कंट्री का एक ही बैंक है जो है इशूइंग बैंक, बाकी सभी के सभी बैंक हैं, चाहे वो नेगोशिएटिंग बैंक हो, एडवाइजिंग बैंक हो, कंफर्मिंग बैंक हो, रिम्बर्सिंग, ये सभी के सभी हमारे एक्सपोर्टर कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों। एक्सपोर्टर कौन है? तो एक्सपोर्टर वो है जो कि सेलर है, जो कि बेनिफिशियरी है। और इंपोर्टर कौन है? इंपोर्टर वो है जिसे सामान की आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने मेन मेन पार्टीज जो एलसी में इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, एक ओवरव्यू ले लिया दोस्तों। और अभी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एलसी का टाइप्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलसी का टाइप्स जो है हमारा, एक पहला है रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी क्या होता है? वैसा एलसी होता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या किसी को कैंसिल कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी, बिना सभी पार्टीज के कंसेंट के। कोई जरूरी नहीं है कि सभी पार्टीज का जो है रजामंदी हो, उसके बिना भी हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं दोस्तों। इरिवोकेबल के में क्या होता है? इसे हम लोग कैंसिल या अमेंड नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज। फिर हमारा कन्फर्म्ड एलसी होता है कि एक्सपोर्टर कंट्री में कोई बैंक इसे कन्फर्म करेगी तब वो कन्फर्म्ड एलसी हो जाता है। अभी हमने देखा था कि जो नेगोशिएट बैंक होती है वो भी कंफर्मेशन दे सकती है दोस्तों। हाँ, और जब कंफर्म कर देगी तो उसकी, यदि वो डिफॉल्ट होता है एलसी तो उसकी जिम्मेवारी है। ट्रांसफरेबल एलसी, ये ऐसा एलसी होता है जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं फुल में या पार्ट में किसे, तो कौन कर सकता है? तो एडवाइजिंग बैंक कर सकता है, ठीक है, इशूइंग बैंक के रिक्वेस्ट में। तो यदि इशूइंग बैंक रिक्वेस्ट में बोलेगी कि एडवाइजिंग बैंक को कि तुम इसे ट्रांसफर कर दो, तो वो ट्रांसफर कर सकता है, एडवाइजिंग बैंक इसे ट्रांसफर कर सकता है।
दोस्तों हम लोगों ने देखा है ये जो एडवाइजिंग बैंक है वो किस साइड होता है, वो आपको पता होगा कि जो एडवाइजिंग बैंक है हमारा वो हमारा होता है, या नोटिफाइंग बैंक बोले या एडवाइजिंग बैंक बोले, ये एक्सपोर्टर का कंट्री में होता है जो कि एलसी को एडवाइज करता है दोस्तों। और एक्सपोर्टर को पेमेंट कौन देता है, तो नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टर को देखिए, फिर से मैं बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, इंपोर्टर के साइड का बैंक है इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक का क्या काम है कि वो जो है इंपोर्टर के बिहाफ में पैसा देता है। फिर बताइए एक्सपोर्टर को पैसा कौन देता है, तो एक्सपोर्टर को पैसा देता है हमारा नॉमिनेटेड बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक। ठीक है दोस्तों, हाँ। और एडवाइजिंग बैंक एडवाइज का काम करता है दोस्तों, और ये जो है यदि कंफर्म कर देगा तो इसकी जिम्मेवारी हो जाती है पैसा देने की। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग वापस आते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ एलसी पढ़ रहे थे। इसके बाद आता है दोस्तों रेड क्लॉज एलसी। तो रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है, इट इनेबल्स द बेनिफिशियरी टू अवेल प्री शिपमेंट क्रेडिट। मतलब कि पहले शिप होने से पहले सामान को शिप जहाज में भेजने से पहले यदि पैसे की आवश्यकता है उसे हम लोग कहते हैं प्री शिपमेंट क्रेडिट। ठीक है, उधारी पे पैसा लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई सामान मैन्युफैक्चरर है, उसके पास पैसा ही नहीं है तो मैन्युफैक्चर कैसे करेगा, तो उसे यदि पैसे की आवश्यकता है दोस्तों तो सामान देने से पहले ही उसे पैसा यदि रिक्वायरमेंट है तो ऐसे एलसी को हम लोग रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। तो उसे क्या होता है, इस एलसी के द्वारा उसे पहले ही पैसा मिल जाता है। फिर होता है ग्रीन क्लॉज एलसी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्री शिपमेंट के अलावा एडवाइजिंग बैंक जो है स्टोरेज के लिए भी पैसा दे सकता है और शिपमेंट के लिए भी पैसा दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एडवाइजिंग बैंक जो है एक्सपोर्टर को पैसा दे सकता है। ठीक है, एडवाइजिंग बैंक बोलेगा कि तुम इसे पैसा दो, ठीक है, तो एक्सपोर्टर को पैसा मिल जाएगा स्टोरेज के लिए और शिपमेंट के लिए। इसके बाद होता है दोस्तों हमारा रिवॉल्विंग एलसी। तो रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है कि जब बिल का नेगोशिएशन होता है तो एलसी जो है ऑटोमेटिकली रिन्यूड हो जाता है दोस्तों। फिर बैक टू बैक एलसी, तो बेनिफिशियरी यूज एलसी टू ओपन अनदर एलसी इन फेवर ऑफ लोकल सप्लायर। और हमारा लास्ट है स्टैंड बाय एलसी, तो वो गारंटी के टर्म में इशू होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं एलसी के अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस और सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। तो दोस्तों इतना सफिशियंट है, इतना नॉलेज सफिशियंट है। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, आप देखिए आप लोग तुरंत से तुरंत जवाब दे पाएंगे सभी क्वेश्चन का। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द पार्टीज ऑन हुज रिक्वेस्ट द ओपनिंग बैंक इशूज द लेटर ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड। यानी कि वो पार्टी कौन है जिसके रिक्वेस्ट पे हमारा इशूइंग बैंक एलसी को इशू करती है। ऑप्शन को देखिए, ए है बेनिफिशियरी, बी है एप्लीकेंट, सी है सप्लायर, डी है सेलर। तो दोस्तों किसके रिक्वेस्ट पे एलसी ओपन किया जाता है, कौन रिक्वेस्ट करेगा? तो सिंपल सी बात है, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करेगा। बेनिफिशियरी क्यों रिक्वेस्ट करेगा, उसे तो पैसा चाहिए, तो एप्लीकेंट के रिक्वेस्ट पे जो है ये काम होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एप्लीकेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, द बैंक दैट इशूज द एलसी अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू बेनिफिशियरी। जो बैंक एलसी को इशू करती है उसका क्या काम है, तो क्या वो बेनिफिशियरी को पेमेंट देगी, पहला ऑप्शन है। बी कर रहा है पे टू बेनिफिशियरी वेदर इट इज एबल टू रिकवर फ्रॉम एप्लीकेंट और नॉट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट। उसे बेनिफिशियरी को पे करना ही होगा, इससे बावजूद कि वो इशू जो बायर है उसे पैसा ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। फिर उसके बाद है सी ऑप्शन, पे टू बेनिफिशियरी वेदर इट इज एबल टू रिकवर फ्रॉम एप्लीकेंट और नॉट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट इन एलसी। और डी है पे टू बेनिफिशियरी वेदर इट इज एबल टू रिकवर फ्रॉम एप्लीकेंट और नॉट। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी सी डी एकदम समान जैसा लगेगा, लेकिन इसका जिम्मेवारी होता है कि जो बैंक एलसी को इशू करती है उसे तो अब बेनिफिशियरी को तो पैसा देना ही होगा। अब आप पे निर्भर करता है कि जिससे जो बायर है उससे आप पैसा कैसे वसूल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट इज एलसी। तो डॉक्यूमेंट देखिए, एलसी बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट है, तो उसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है दोस्तों। तो उसके अगेंस्ट आपको जो है पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इशूइंग बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, किसे, बेनिफिशियरी को पेमेंट करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बैंक दैट मेक्स पेमेंट टू बेनिफिशियरी ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर टर्म्स ऑफ एलसी इज कॉल्ड। तो कौन सा बैंक है जो कि एक्सपोर्टर को पेमेंट देता है, एक्सपोर्टर यानी कि सेलर को या बेनिफिशियरी को, तीनों बात एक ही है, कौन सा बैंक है? अभी हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन को देखिए, कंफर्मिंग बैंक, बी कर रहा है एडवाइजिंग बैंक, सी कर रहा है ओपनिंग बैंक और डी कर रहा है नेगोशिएटिंग बैंक। तो हम लोगों ने देखा था दोस्तों वो है हमारा नेगोशिएटिंग बैंक, याद होगा नेगोशिएटिंग बैंक बोले या नोटिफाइंग बैंक बोले, इसका काम है। तो नेगोशिएटिंग बैंक या नोटिफाइंग बैंक का काम है कि वो एक्सपोर्टर के साइड में रहता है और वो उसका काम है कि वो जो है पेमेंट देगा एक्सपोर्टर को या बेनिफिशियरी को। चलिए आगे देखते हैं, द बैंक दैट गिव्स गारंटी ऑफ ओपनिंग बैंक टू मेक द पेमेंट इफ ओपनिंग बैंक फेल टू पे।
तो दोस्तों पूछा गया कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कि ओपनिंग बैंक का गारंटी देता है, यदि ओपनिंग बैंक पेमेंट नहीं दे पा रही है तो मैं दूंगा गारंटी, ठीक है। तो ऑप्शन को देखिए, कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, ओपनिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक। तो इसे हम लोग कंफर्मिंग बैंक कहते हैं। अभी मैंने बताया था आप लोगों को एडवाइजिंग बैंक क्या होता है, केवल एडवाइस देती है, लेकिन यही वही यदि एडवाइजिंग बैंक ये कंफर्म कर दे तो उसका दायित्व हो जाता है, उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। तो यदि ओपनिंग बैंक पैसा नहीं दे पा रही है तो बेनिफिशियरी किसके पास जाएगा, तो बेनिफिशियरी जाएगा कंफर्मिंग बैंक के पास, ठीक है दोस्तों, जिसने एलसी को कंफर्म किया है। आइए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंक इज कॉल्ड नेगोशिएटिंग बैंक। तो इनमें से कौन सा बैंक को नेगोशिएटिंग बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए, द बैंक्स दैट वेरीफाई द ऑथेंसिटी ऑफ एलसी, वो बैंक जो कि एलसी की ऑथेंसिटी को वेरीफाई करे। चलिए ऑप्शन ए कर रहा है, ऑप्शन बी कर रहा है, द बैंक दैट मेक द पेमेंट टू द बेनिफिशियरी ऑन रिसीप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन एलसी, वो बैंक जो कि एलसी का पेमेंट देती है, ठीक है, जब उसे डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो। उसके बाद सी कर रहा है, द बैंक दैट गारंटी द पेमेंट टू द बेनिफिशियरी इन केस ओपनिंग बैंक डज नॉट पे, ये वो बैंक है जो कि गारंटी करती है यदि ओपनिंग बैंक पेमेंट नहीं देगा तो मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा। और डी कर रहा है, द बैंक दैट परचेजेस द डॉक्यूमेंट एट अ डिस्काउंट इफ दिस आर नॉट ड्रॉन एज पर द लेटर ऑफ एलसी, या ये वो बैंक है जो कि एलसी के लेटर्स को डिस्काउंट पे परचेज करती है। कौन सा सही है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए कभी भी नेगोशिएटिंग बैंक गारंटी नहीं देगी, नेगोशिएटिंग बैंक कंफर्मिंग बैंक का रोल नहीं प्ले कर सकती है दोस्तों। हाँ, ये पेमेंट देगी बेनिफिशियरी को, इसका काम है बेनिफिशियरी को पेमेंट देना, लेकिन जब डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेगी तब, और फिर ये किसे पेमेंट मांगेगी, तो ये ओपनिंग बैंक से पेमेंट मांगेगी। यदि मान लीजिए बीच में कोई कंफर्मिंग बैंक भी आता है तो कंफर्मिंग बैंक इसको पेमेंट देगा, इस नेगोशिएटिंग बैंक को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इसका साइकिल याद हो रहा होगा, एक तरफ है एप्लीकेंट, एक तरफ है हमारा एप्लीकेंट जो कि बायर है, जो कि इंपोर्टर है, एक तरफ है सेलर जो कि बेनिफिशियरी और एक्सपोर्टर है। इंपोर्टर के साइड का जो बैंक है उसे इशूइंग बैंक कहते हैं। इशूइंग बैंक का काम है पैसा देना, किसे पैसा देना, तो बायर को पैसा देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बायर नहीं पे, वो बेनिफिशियरी को पैसा देगा, इशूइंग बैंक का काम है, ठीक है। और नेगोशिएटिंग बैंक के थ्रू वो पैसा जाता है, और नेगोशिएटिंग बैंक क्या लेती है उससे, तो डॉक्यूमेंट्स लेती है, एलसी के डॉक्यूमेंट्स लेती है। अब देखिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ एलसी पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें पूछा गया है, द एलसी दैट कैन बी कैंसिल्ड और अमेंडेड बाय द ओपनिंग बैंक इज कॉल्ड, वो एलसी का नाम क्या है जो कि जिसे ओपनिंग बैंक कैंसिल भी कर सकती है और अमेंड भी, उसमें कुछ चेंजेस भी ला सकती है। ऑप्शन को देखिए, ए कर रहा है रिवॉल्विंग एलसी, बी कर रहा है रिवोकेबल एलसी, सी कर रहा है इरिवोकेबल एलसी, और डी कर रहा है स्टैंड बाय एलसी। तो जैसा कि नाम से क्लियर है रिवोक, ठीक है दोस्तों, रिवोक मतलब कि इसका मतलब होता है इसमें चेंजेस भी लाया जा सकता है और उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। तो B12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, इन अ लेटर ऑफ क्रेडिट देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिपीटेड नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रीवियसली नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट बाय द एप्लीकेंट इट इज कॉल्ड। तो एलसी में एक प्रोविजन है कि नेगोशिएशन करने का प्रोविजन है दोस्तों, ठीक है। तो उसे हम लोग ऐसे एलसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल, ग्रीन क्लॉज, रेड क्लॉज, रिवॉल्विंग, तो इसे हम लोग रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं दोस्तों। तो एक तरह का एलसी में यदि नेगोशिएशन का प्रोविजन आता है तो उसे हम लोग रिवॉल्विंग एलसी का नाम देते हैं। चलिए अब हम लोग नॉर्मल जो हमारा जो शेड्यूल था उस पे आ जाते हैं, हम लोग फैक्टरिंग फॉरफेटिंग पे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने एलसी पे कुछ क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग इससे पिछला जो लेसन आया था दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो उस पे उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है जो कि मेरे सामने जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक कीजिए, चैनल की मेंबरशिप से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ रेगुलर वे में इंटरनल में मिलते रहेगी। इस क्रैश कोर्स का जितने भी टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, सभी टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर करूँगा, सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट रहेगी दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन फैक्टरिंग फैक्टर्स मेक पेमेंट टू द सेलर फर्म ऑन द बेसिस ऑफ। तो फैक्टरिंग में देखा था हम लोगों ने कि जो फैक्टर होती है, फैक्टर बैंक होती है, उसका काम होता है कि सेलर को पेमेंट देना। तो वो किस बेसिस पे पेमेंट देती है? ऑप्शन ए को देखिए, ट्रांसफर ऑफ सेल फंक्शन फ्रॉम सेलर टू फैक्टर, बी करा असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल, सी करा हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेप्ट, और डी करा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों पेमेंट तभी देगी जब वो रिसीवेबल को असाइन कर लेगी दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर टू को देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है, द विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग मींस। तो दोस्तों विदाउट रिकोर्स में क्या बताया था, ऑप्शन को देखिए, व्हेन द फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस टू द सेलर ऑन अकाउंट ऑफ हिज एक्शन,
बी में कर रहा है, व्हेन फैक्टर इज एज्यूम द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द बायर, सी कर रहा है, वेयर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द बायर इज दैट ऑफ द सेलर, और डी में कर रहा है, वेयर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद फैक्टरिंग इज दैट ऑफ द बायर। तो दोस्तों विदाउट रिकोर्स में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैक्टर का जिम्मेवारी होता है यदि कहीं भी नॉन पेमेंट हुआ, यदि कहीं भी डिफॉल्ट हुआ तो फैक्टर का जिम्मेवारी है, वो किसी से वसूल नहीं सकता है पैसा, इसीलिए इसका नाम है विदाउट रिकोर्स। फिर दूसरा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, विथ रिकोर्स का क्या मतलब है, तो विथ रिकोर्स का मतलब है कि यदि कोई डिफॉल्ट होगा तो फैक्टर वसूल सकता है पैसा। ऑप्शन को देखिए, वेयर द फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस टू द सेलर ऑन अकाउंट ऑफ हिज एक्शन, बी कर रहा है, वेयर द फैक्टर एज्यूम द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द बायर, सी कर रहा है, व्हेन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द बायर इज दैट ऑफ द सेलर, और डी कर रहा है, व्हेन ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद फैक्टरिंग इज ऑफ बायर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे फैक्टर की जिम्मेवारी नहीं होती है, ठीक है, तो बी तो होगा नहीं, बी में कह रहा है कि फैक्टर का रिस्क है तो होता नहीं है, सी में कह रहा है कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द बायर इधर सेलर नहीं, सेलर का सेलर कोई बात ही नहीं है, सेलर को तो पैसा चाहिए, उस पर क्यों रिस्क होगा, तो सी तो ऐसे भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी गया, ऑप्शन ए कह रहा है कि जितना भी रिस्क है फैक्टर जिम्मेवारी नहीं है, हाँ तो ये सही है दोस्तों, ठीक है, फैक्टर जिम्मेवार नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फोर्थ नंबर पर ये क्वेश्चन, अंडर फॉरफिटिंग, देखिए दोस्तों फॉरफिटिंग की बात की जा रही है, द एक्सपोर्टर इज एबल टू ट्रांसफर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क, तो फॉरफिटिंग में एक्सपोर्टर जो है वो कैसा रिस्क को ट्रांसफर करता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क एंड ऑल ऑफ द अबव, तो दोस्तों सभी के सभी रिस्क को एक्सपोर्टर ट्रांसफर करता है। आपको पता होगा कि ये जो फॉरफिटिंग होता है वो विदाउट रिकोर्स होता है, इसमें क्या है कि यदि पेमेंट नहीं दे पाया हमारा बायर तो सारा का सारा रिस्क हो जाता है फैक्ट्री जो फॉरफिटिंग वाला बैंक है उस पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से रिस्क ट्रांसफर हो गया, मतलब अब तो पैसा तुमको देना ही है, ठीक है, क्रेडिट मतलब एनी और पैसा फॉरफिटिंग बैंक देगी ही देगी, तो देखिए सारा का सारा रिस्क ट्रांसफर कर दिया उसने इंटरेस्ट रेट रिस्क को। चलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। पांचवा में पूछा गया है, इन फॉरफिटिंग द फॉरफेटर प्रोवाइड द सर्विस ऑन, तो दोस्तों फॉरफिटिंग में कैसा सर्विस प्रोवाइड करती है फॉरफेटर, जैसे वहां पे फैक्टर था वैसे यहां पे फॉरफेटर है, बस इतना ही सा अंतर है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि फॉरफिटिंग में जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो विदाउट रिकोर्स होती है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कर रहा है रिकोर्स बेसिस, बी कर रहा है नॉन रिकोर्स बेसिस, सी कर रहा है ऑन रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स बोथ, और डी कर रहा है एट डिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरफेटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन रिकोर्स बेसिस, ठीक है, ये जो है नॉन रिकोर्स बेसिस पे होती है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, मतलब सारी की सारी जिम्मेवारी है हमारी फैक्टर की या फॉरफेटर की। अगला क्वेश्चन है, बैंक गारंटीज में कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने इस लेसन में, जिन लोगों को इसका थ्योरी पार्ट चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा जेआईबी क्रैश कोर्स का, उसका आप लोग डे इसे पिछला डे को देखिए, उसे मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाया हूँ दोस्तों। तो पूछा गया है कि कौन से पार्टीज बैंक गारंटीज में इन्वॉल्व हुए हैं, तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है बेनिफिशियरी वो होता है जिस द बोरोअर ऑन हुज बिहाफ द गारंटी इज इशूड, तो वो बेनिफिशियरी है, द पार्टीज इन हुज फेवर द गारंटी हैज बीन इशूड वो उसके एप्लीकेंट कहते हैं, द बैंक दैट इशू द बैंक गारंटी उसे सिक्योरिटी कहते हैं, और नन ऑफ द अबव। तो कौन सा इसमें से प्रॉपरली नेम सही है, आप ये बताइए, पहला ऑप्शन को देखते हैं, बेनिफिशियरी कौन होगा बताइए आप, ठीक है, तो बेनिफिशियरी जिसे पैसा चाहिए वो तो बेनिफिशियरी होगा, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, एप्लीकेंट कौन है, तो एप्लीकेंट देखिए ए और बी आप उल्टा है, एप्लीकेंट के फेवर में जो है एप्लीकेंट के बिहाफ में जो है गारंटी इशू किया जाता है, ठीक है, और बेनिफिशियरी के फेवर में गारंटी इशू किया जाता है, सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है, और सी सही है जो कि गारंटी लेता है उसे सिक्योरिटी कहते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एंड डैश फॉर स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, तो हम लोगों ने देखा था फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को, ये बेसिकली क्या होता है, ये कस्टमर और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस चीज़ के लिए, सेल और परचेज के लिए, किस चीज़ का फॉरेन करेंसी के सेल और परचेज के लिए, तो किसके बीच होता है, बैंक और कस्टमर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, हम लोगों ने सभी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि फॉरफेटिंग और हमारा ये हम लोगों ने देखा था कंटिजेंट लाइबिलिटीज पे ऑफ बैलेंस शीट आइटम पे हो सकते हैं, और हम लोगों ने एलसी को भी समझा, एलसी को अच्छे तरीके से समझा, टाइप्स ऑफ एलसी समझा, तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्त, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें, और दोस्तों जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, आपको पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।